हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इजी कुक शो में। आज मैं आप लोगों को पनीर टिक्का बताऊंगा, लेकिन एक अलग स्टाइल में स्टफिंग करके, जिसके कि मैंने नया नाम दिया है गार्लिक पनीर टिक्का या फिर लहसुनी पनीर टिक्का। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर पनीर लिया है, आप देख सकते हैं पनीर के डाइसेज। देखिए मैंने इतने बड़े पनीर लिए हैं, ये मैंने पनीर के 8 टुकड़े लिए हैं अराउंड। ये मेरा 200 ग्राम पनीर है, या इसको मैंने क्या किया है, ये देखिए 20 से हल्का सा कटिंग कर दिया है। आपको कंप्लीट कट नहीं करना है, मैंने हाफ कटिंग किया है। देखिए इसे क्या होगा, हमारी स्टफिंग करने में आसानी होगी। स्टफिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे गार्लिक यानी कि लहसुन लिया है 1 टीस्पून। अब इसमें लोग डालेंगे चाट मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, देखिए कश्मीरी मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए इस तरह से मुझे एक कंप्लीट मिक्सचर तैयार करना है। लेप जो मेरी पनीर टिक्का का रेसिपी है, ठीक हम लोग उसी तरीके से बनाएंगे। हम लोग केवल क्या करना है, इसमें स्टफिंग कर रहे हैं लहसुन से, इसलिए इसका नाम मैंने लहसुनी पनीर टिक्का रखा है। अगर आप लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसको अच्छी पूरी तरीके से अवॉइड कर सकते हैं और ऐसे ही पनीर टिक्का का रेसिपी बना सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पनीर लेंगे, इस पनीर के सेंटर में हम लोग जो कटिंग किए हैं, इस मिक्सचर को जो मैंने बनाया है, इसकी स्टफिंग करेंगे। काफ़ी कम मात्रा में लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। ज़्यादा लीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, ये टूटने लगेगा, क्योंकि पनीर हमारा काफ़ी सॉफ्ट होता है। देखिए इस तरीके से मैंने काफ़ी हल्का लिया है, आपको नज़र आ रहा होगा मेरी अंदर स्टफिंग हो गई है। ठीक बारी बारी से हम लोग सारे पनीर को इसी तरीके से स्टफिंग कर लेंगे। मेरी स्टफिंग अब कम्प्लीट हो गई है, देख सकते हैं आप कितना बढ़िया लग रहा है, कलर आपको चारों तरफ नज़र आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, आपको ये फ्लैट कर लेना है इस तरीके से। देखिए इस पर हम लोग व्हाइट सॉल्ट स्प्रेड करेंगे। सॉल्ट के अलावा मैं इस पर डालूंगा रेड चिली पाउडर, ये देखिए थोड़ा सा एकदम, बस आपको हल्का सा स्प्रिंकल करना है, ज़्यादा नहीं। और आपको अच्छे से इसको वन बाय वन करके अच्छे तरीके से कोट होने के बाद आपको क्या करना है, इसको खुले वातावरण में कहीं भी किचन के पास छोड़ दें। इससे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर इसमें वो बाहर निकल जाएगा। चलिए अब टिक्का के लिए हम लोग मैरिनेशन बनाएंगे। मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है। बाउल में आपको क्या करना है, आपको कर्ड डालना है। यहाँ पे मैंने देखिए अराउंड 150 ग्राम कर्ड लिया है, ये मेरा प्लेन कर्ड है और स्वीट भी है। दही में अगर आपका पानी क्वांटिटी कम है तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि जितना दही में कम पानी रहेगा उतनी अच्छी आपका मैरिनेशन तैयार होगा। अब हम इसमें डालेंगे क्रीम, अमूल का ये मैंने फ्रेश क्रीम लिया है अराउंड 2 बड़े चम्मच। अब इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, कटा हुआ धनिया, कटी हुई मिर्च, ये मैंने 1 मिर्च लिया है, हरा मिर्च है, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून। यहाँ पे आप रेड चिली पाउडर को अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली डाला है। धनिया पाउडर 1/4 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, तंदूरी मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। विनेगर 1 टीस्पून, अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप यहाँ पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं। रोस्टेड ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन, ये मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, ये मेरा बाइंडिंग एजेंट के रूप में काम करता है, जो कि मैरिनेशन को अच्छी तरह कोट करेगा। चाट मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक स्वादानुसार, लेकिन मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून लिया है। अब इसे हम लोग अच्छी तरीके से फेंट लेंगे, अच्छी तरह से इसका मैरिनेशन को तैयार करना है। साथ ही साथ इसमें मस्टर्ड ऑयल 1 टेबलस्पून, आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, इसको भी फेंट लेना है। दोस्तों हमारा यहाँ पे मैरिनेशन तैयार हो गया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 1 घंटा मेरा कंप्लीट हो गया है। 1 घंटा कंप्लीट होने के बाद मैंने यहाँ मैरिनेशन को बाहर निकाल लिया है फ्रिज से। अब आपको क्या करना है, ये जो मैंने मेरा स्टफिंग पनीर था लहसुन के साथ, अब इसमें क्या करेंगे, डिप करेंगे इस तरीके से, और ये जो मैरिनेशन इसके ऊपर लेप को इस तरह से लगाएंगे। आपको अच्छी तरह से कोट हो जाना चाहिए चारों तरफ, जितना अच्छा कोट होगा उतना बढ़िया बनेगा। वन बाई वन करके हम लोग इसी तरीके से कोट कर लेंगे। मेरी मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे एक तवा लिया है, तवा पे मैंने हल्का सा मस्टर्ड ऑयल स्प्रेड कर दिया है चारों तरफ, आप देख सकते हैं। ये देखिए स्प्रेड करने के बाद अब जो मेरा डिप किया हुआ मैरिनेटेड पनीर है वो इस पर हम रखेंगे और इसको बेक करेंगे। अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन में भी इसको पका सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को तवे में बता रहा हूँ कि तवे में हम लोग कैसे इस पनीर टिक्का को कुक करेंगे। देखिए इस तरीके से हम लोग कुक करेंगे। आपको आंच को एकदम कम करके रखना है,
मैंने यहाँ पे हाई हीट पे इसको गर्म कर लिया, फिर इसके फ्लेम को क्या करना है कम कर देना है, ताकि ये मेरा जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छी तरीके से इसमें कुक हो सके। देखिए इस तरीके से मैंने वन बाय वन करके आठों पनीरों को इसमें तवा में मैंने रख दिया है ग्रिल्ड होने के लिए। अगर आपके पास ग्रिल्ड तवा भी है तब आप उसमें भी बेक कर सकते हैं, लेकिन आपके पास नॉन स्टिक तवा एकदम प्लेन तवा भी है तो उस पर भी आप कर सकते हैं। इसको आपको चारों तरफ से कुक करना है, अगर एक तरफ हो जाए गोल्ड ब्राउन कलर का तो उसको टॉस करके दूसरी तरफ चेंज कर देना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा पनीर कुक हो गया है, चारों तरफ देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। इसे पकने में अराउंड 5 से 7 मिनट लगे, मैंने इसको क्या किया चारों तरफ से कुक किया है। अब इसे मैं निकाल लेता हूँ। चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। प्लेटिंग करने के लिए मैंने एक क्वार्टर प्लेट लिया है, जिसमें मैंने यहाँ पे देखिए सैलेड को इसको सेंटर में इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे कैप्सिकम, कैरेट, टमाटोज, अनियन, कैबेज ये मैंने लिया है। जो ट्रेडिशनल स्टाइल है पनीर टिक्का सर्व करने का वो सैलेड के साथ ही है। अब वन बाय वन करके हम लोग पनीर टिक्का इस तरीके से अरेंज करेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, इसी तरीके से दूसरा भी। तो दोस्तों हमारा लहसुनी पनीर टिक्का अब रेडी है, आप देख सकते हैं। तो देखा ना कितना आसानी से बनाना घर पे, वो भी तवा स्टाइल पे। आप इसे घर पे जरूर ट्राई करें। तो दोस्तों आप अपना अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि कैसा लगा ये वीडियो। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।